संविधान पर विश्वास करते हैं। तो आपको रांची से ये खबर बता रहे हैं, जहां पे देखिए देश भर में सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के फैसले को लेकर के अब आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। बता दें कि इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रतिक्रिया दी है। ये बंदी का बहुत हमें लगता है कि कोई औचित्य समझ में नहीं आता है, लेकिन भारत सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। संविधान का हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी सम्मान उन्होंने किया है और हमेशा से सम्मान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण फैसले के खिलाफ आज भारत बंद है। इस बंद को कई संगठनों और पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। इसको लेकर सिमडेगा के झूलन सिंह चौक में सुबह 8 बजे कांग्रेस जेएमएम समेत विभिन्न दलों के बंद समर्थक सड़क पर उतरे और एनएच 143 को जाम कर दिया। बंद समर्थक वाहन चालकों और दुकानदारों से भी बंद करने का समर्थन करने का आह्वान किया। वहीं भारत बंद के मद्देनजर सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिस जवान को तैनात किया गया। तो सिमडेगा से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां भारत बंद का आह्वान जो बंद करने वाले प्रदर्शनकारी हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग इसका समर्थन करें, लेकिन कई ऐसी जगह है जहां पर दुकानें खुली हुई हैं उसे बंद करवाने की कोशिशें की जा रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर के सिमडेगा के झूलन चौक में सुबह 8 बजे कांग्रेस जेएमएम समेत विभिन्न दलों के जो बंद समर्थक हैं वो सड़क पर उतरे। और इसी बीच गढ़वा में भी भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। कई संगठनों ने मिलकर सुबह से एनएच 75 सड़क को जाम कर दिया। संविधान आरक्षण बचाओ मोर्चा के बैनर तले शहर के चिनिया रोड रंका मोड़ को पोकलेन मशीन से सड़क के बीचों बीच लगाकर आवागमन को पूरी तरह बाधित कर दिया गया। इसको लेकर मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरविंद तूफानी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का जब तक फैसला वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण फैसले पर गुमला में भी बंद समर्थक सड़कों पर उतर गए हैं। आपको बता दें कि संगठनों ने वाहनों का परिचालन ठप कर दिया है और शहर में घूम घूमकर लोगों से बंद को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। और ये गुमला से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां आरक्षण के फैसले को लेकर के अब बंद समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। संगठनों ने वाहन और परिचालन को ठप कर दिया है और हर जगह वो घूम घूम करके लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप इस बंद को सफल बनाएं। और जिसकी तस्वीर भी आप गुमला से देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से वो इस आरक्षण का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और पाकुड़ में भी भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और जेएमएम सड़कों पर उतर गई है। बंदी को सफल बनाने के लिए जेएमएम कार्यकर्ताओं ने विरोधी नारे लगाते हुए हिरनपुर के सुभाष चौक में बस के बल्ले लगा करके वहां पे सड़क जाम कर दिया, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, और पूरे बाजार को भी बंद कर दिया। तो पूरी ये तस्वीर आपको अलग अलग जगह से, हम झारखंड के अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ये पाकुड़ की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, यहां भी भारत बंद को लेकर के आह्वान किया जा रहा है। हर तरफ सिर्फ यही आवाज उठ रही है कि आरक्षण का जो ये मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट वापस ले, अदर नहीं तो ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा।